आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा। जैसा कि चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, ऐलान हो चुका है और सारे दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात अपने एजेंडे को बता रहे हैं और एक अलग प्रकार से मैनिफेस्टो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि हम जनता की राय से मैनिफेस्टो बनाएंगे, कोई कह रहा है हम अनुभव के आधार पर मैनिफेस्टो बनाएंगे और कोई कह रहा है जनता की ज़रूरतों के हिसाब से मैनिफेस्टो बनाएंगे। पर इन्हीं किन्हीं चलन के बीच एक नया चलन चल रहा है, वो है सपने दिखाना। जी हाँ, सपने दिखाने की परंपरा तो हमारी भारतीय राजनीति में हमेशा से चलती आ रही है, क्योंकि सपने दिखाकर ही जनता को ठगा जाता है। सपने दिखाए जाते हैं और पूरे होते नहीं, और कहा जाता है सपने होते ही दिखाने के लिए है। पर अगर सपने दिखाने के लिए होते तो सपने दिखाते ही क्यों हैं? अपनी मैनिफेस्टो बताइए, एजेंडा बताइए। पर यहाँ पर जो चलन है वो बहुत पुराना है और इस समय जो चलन सपनों दिखाने का है वो इसलिए जोर पकड़ रहा है क्योंकि चुनाव आ गए हैं और ख़ास तौर पर ये चलन उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी है, क्योंकि जाहिर सी तौर पर बात है जो केंद्र की सत्ता की कुर्सी है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, जिसके तहत सबसे ज़्यादा सपने दिखाने की जो परंपरा है वो यहीं बलवती होती नज़र आ रही है। सपने भी अलग दिखाते हैं, कोई प्रतिज्ञा करता है सपने दिखाने की तो कोई अलग अलग प्रतिज्ञाओं के माध्यम से सपने दिखाता है। कोई कहता है कि हम ऐसा कर देंगे, कोई कहता है कि अब रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हम आपको बिजली फ्री देंगे। यानी कि चुनाव का परिणाम अभी आया नहीं है और राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी व्यवस्थाओं को इतना मजबूत कर दिया है कि सपनों को सामने दिखाना भी शुरू कर दिया है और सपने की जो एक ताना बाना है वो इस तरह बन रहे हैं कि जनता समझ नहीं पाए कि सपना है कि हकीकत। जैसा कि अखिलेश यादव ने कल अनुसंकल्प लिया था, उन्होंने कहा था कि हम कि फार्मर रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे और आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि जिनको भी 300 यूनिट की फ्री बिजली चाहिए वो रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दें और जब हम सत्ता में आएंगे तो हम उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे। तो भाई कांग्रेस ने अपनी प्रतिज्ञाएँ के माध्यम से अपनी बातें कही हैं, स्कूटी यानी शिक्षा है, तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं, 8 प्रतिज्ञा ली हैं प्रियंका की। कांग्रेस जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने 8 प्रतिज्ञा ली हैं। उन्होंने कहा है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 8 प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे और अपनी टैगलाइन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को उन्होंने बलवत यानी मजबूत कर रही हैं। अभी उन्होंने लखनऊ में एक मैराथन भी कराई थी, उसमें उन्होंने पुरस्कार स्वरूप लड़कियों को स्कूटी भी दी थी जो कि गुलाबी रंग से रंगी हुई थी, यानी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये टैगलाइन, और साथ साथ वो जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि स्कूटी दी जाएगी जो आपकी स्नातक कन्याएं होंगी जो पढ़ के निकली उनको एक स्कूटी दी जाएगी और साथ ही साथ लैपटॉप और टैबलेट की बात भी कही। वहीं सरकार ही पीछे नहीं है, योगी सरकार भी लगातार कह रही है कि हम रोजगार देंगे और तमाम किसान सम्मान निधि देंगे, भत्ते देंगे और तमाम ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं उन योजनाओं को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। तो यहाँ पर बात सपने दिखाने की है और सपने कैसे होते हैं ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सपने देखना और दिखाना बहुत आसान बात है, पर कहीं ना कहीं सपने का हकीकत होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर हम सपनों की बात करें और इनके नतीजों की बात करें तो नतीजा तो 10 मार्च को आएगा, पर सपने कैसे दिखाए जाते हैं देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का रण बड़ा भीषण होने वाला है, जहां भाजपा लगातार चुनावी सौगातें दे रही है। सीएम योगी विकास योजनाओं के साथ ही प्रदेश में युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। लगातार छोटे दलों को साथ लेकर अपनी जमीन तैयार करती सपा ने अब एक और बड़ा चुनावी ऐलान कर दिया है। सपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। प्रदेश में लगातार मुख्य विपक्ष के तौर पर खड़ी समाजवादी पार्टी वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे सत्ताधारी भाजपा का किला ध्वस्त किया जा सके। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बिजली के बिल ज्यादा आए हैं वो आए और अपना नाम लिखवाएं। सपा की सरकार बनने पर उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली का अभियान फिलहाल शुरू कर दिया गया है। ये अभियान कल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग फ्री बिजली पाना चाहते हैं, वे सपा पार्टी द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म में अपना नाम लिखाएं। ये वही नाम होने चाहिए जो मौजूदा बिजली बिलों पर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सपा के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाएंगे और उसी दौरान घोषणाओं की जानकारी देंगे और बिजली वाले फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 16.5 लाख युवाओं की नौकरी छीन ली गई। 4 करोड़ लोगों ने हताश होकर नौकरी की आशा छोड़ दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इस पर न बात करते हैं न ट्वीट, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। युवाओं, आप रोजगार के एजेंडे पर डटे रहना। चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान हो गया हो, लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच सियासी रार कम होने का नाम नहीं ले रही है। तरह तरह की चुनावी घोषणाएं अब आम हो चली हैं। सपा प्रमुख का 300 यूनिट फ्री बिजली देने का मास्टर प्लान, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बेरोजगारी पर योगी सरकार को घेरना कितना कारगर सिद्ध होगा, ये तो आगामी 10 मार्च ही तय करेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर सपनों की एक जो चलन है वो पूरा बलबत होते नजर आ रहा है और पूरी तरह से मजबूत हो रहा है। तो आज का जो मुद्दा हमारा है, सपनों वाला चुनाव। जाहिर तौर पे सपने दिखाए जा रहे, तो चुनाव भी सपनों वाला होना चाहिए। और इस चुनाव पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से केसी जैन जी और समाजवादी पार्टी से जावेद अहमद और कांग्रेस पार्टी से अभिमन्यु त्यागी। आप तीनों इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो पहला जो आज का जो पहला मुद्दा रहा वो है, अखिलेश यादव ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली देंगे, उसके लिए हमारे कैंपेन चल रही है और लोग आएंगे और अपना नाम लिखाएं। तो पहला सवाल हमारा रहेगा जावेद अहमद। जावेद अहमद जी, जो आपका समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा की है अखिलेश यादव ने, क्या कहेंगे? देखिए गौरव जी, जो जनता की जरूरतें, जनता जिस चीजों के लिए संघर्ष कर रही है, जिन बातों के लिए उसने तकलीफें उठाई, देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का यही तो काम है, जनता के हितों की पूर्ति करना। और जब जनता के हितों की पूर्ति करना है तो ये सपना तो नहीं है, ये उसको सपना जब होगा कि जब जुमलेबाजी की जाए कि 15 लाख आएंगे, 2 गुनी आय हो जाएगी, सारे बेरोजगार खत्म हो जाएंगे, तो कोई बेरोजगार रहेगा ही नहीं। तो सपने ये होते हैं, जिन बातों को, जिन कामों को धरातल पर उतारा जा सकता है तो वो सपने नहीं होते। वो सत्ता का जनता के प्रति जो कर्तव्य है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यह वह है जिसको अखिलेश जी ने कहा। पर ये बताइए कि ये बात तो जो बिजली यूनिट की बात थी, ये तो अमूनन आम आदमी पार्टी का टैगलाइन होती थी, उनका एजेंडा था और उन्होंने दिल्ली में ऐसा किया भी है। और जब वो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तैयारी शुरू की थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम बिजली मुफ्त देंगे। तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले घोषणा आम आदमी पार्टी ने की थी और अब इस घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है 300 यूनिट बिजली देने का। तो ये यूनिट बिजली यह देंगे कहाँ से? नहीं, अभी बिजली आ कहाँ से रही है? बिजली आ कहाँ से रही है? सर, जनता का धन ही तो सरकार के खजाने में है कि कहीं और से आया है? जब जनता का धन है तो लगभग 11,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का ये एक अनुमानित खर्च है। आज भी तो सरकार कितने रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है? 22 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है और 8 रुपए प्लस पे वो बिजली जो है आम विद्युत उपभोक्ताओं को दे रही है। लेकिन उसके भागते हुए स्मार्ट मीटर और तेज गति से चलते हुए मीटर किस तरीके से जनता की जेब काट रहे हैं। जहां 50 यूनिट कोई बिजली खर्च कर रहा है उसका 200, 300, 400 यूनिट का बिल आ रहा है। लोग हैरत में है कि एक कमरे के मकान का 1.5 लाख रुपए का बिल कैसे आ गया। तो ये उस पर तो जो प्रदेश के वर्तमान ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी और कहा था कि हाँ ये गलत हुआ है और गलत हो रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो जनता देती है ना कर के रूप में।
और कर केवल एक वर्ग नहीं देता है, आम जितनी भी देश की जनता है वो कर देती है। एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या दिहाड़ी मजदूर टैक्स नहीं दे रहा है सामान खरीदने पर? और ये सरकार खुद दावा कर रही है कि हम देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, हमारे पास धन की कमी नहीं है। तो जब धन की कमी नहीं है, जनता ने दिल खोल कर सरकार का खजाना भरा है, तो वो जनता के हित में वापस करना कहां से सपने दिखाने वाली बात हो गई। केसी जैन जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। केसी जी, जैन जी क्या मानते हैं कि जिस तरह से हमारी पार्टी ने शुरुआत की, उस पर हमारी पार्टी ने को एजेंडा बनाया और 300 यूनिट बिजली देने की बात कही, इसके लिए वो कैंपेनिंग भी शुरू करने वाले हैं और जगह जगह जाकर इसके फॉर्म भी भरवाएंगे, जिसको 300 यूनिट बिजली की आवश्यकता है तो लेना चाहेगा, क्या कहेंगे? आवाज नहीं आ रही है शायद केसी जैन जी, केसी जैन जी की आवाज नहीं आ रही। जी आवाज, एक मिनट, ये आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है हमारी? हेलो, हाँ जी आ रही है। देखिए अभिषेक जी, मुख्य बात ये गौरव जी ये है कि जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो दिल्ली की स्थिति से बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश में कितनी आबादी है, दिल्ली की कितनी आबादी? घोषणा कर देना तो बहुत आसान है, लेकिन उनको लागू करना, आप किस तरीके से उनको लागू करेंगे, इससे भी मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी अगर ये दावा और वादा कर रही है, दावा ये कर रही है कि भाई केंद्र के पास बहुत पैसा है, और ये भी ये कह रहे हैं 22 रुपए में बिजली खरीद करके 6 रुपए 7 रुपए में जनता को दे रहे हैं, और वादा जनता से ये कर रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो जब इनकी सरकार पिछले 5 साल रही, 2012 से लेकर के मार्च 2017 तक, तब इन्होंने कितने लोगों को फ्री में बिजली दे दी थी, कितने यूनिट बिजली का कर्ज माफ, बिजली का जो बिल था जनता का माफ किया था, और कितने जिलों में बिजली आती थी, कितने घंटे बिजली आती थी, पहले सबसे तो उसका आकलन करने की आवश्यकता है। आज गांवों में भी 20 घंटे बिजली आ रही है और शहरों में तो 24 घंटे बिजली आ रही है। 18 से 20 घंटे बिजली ग्रामीण इलाके में आ रही है, जहां तहसील स्तर के हैं वहां पे 22 घंटे बिजली आ रही है, शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही है। हम लोग भी ग्रामीण स्तर से जुड़े हुए हैं और पास में बाराबंकी है, फतेहपुर है, और हम लोग जाते रहते हैं वहाँ पे, लगातार देखते हैं, कुर्सी विधानसभा है हमारी, तो पूरी बिल्कुल बिजली 24 घंटे वहाँ पे उपलब्ध है तहसील स्तर पे। अब जो ये वादा कर रहे हैं, जब इन्होंने बिजली की व्यवस्था भी सुधार नहीं किया और उन 5 जिलों में बिजली आती थी जहाँ पे उनके परिवार के सांसद हुआ करते थे, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है, कितना हाहाकार होता था, कितना धरना प्रदर्शन होता था बिजली के लिए, कितनी मारा मारी होती थी हॉस्पिटलों में, तमाम सारे लोगों की जाने चली जाती थी बिजली चली जाने की वजह से, क्योंकि कहीं पे जनरेटर की व्यवस्था है, कहीं जनरेटर फेल हो गया, कहीं कुछ स्थितियां हैं, तो हॉस्पिटलों तक में बिजली की सप्लाई नहीं थी, ये स्थितियां थी समाजवादी पार्टी सरकार में। और आज ये हमने बिजली व्यवस्था को इतना सुदृढ़ किया है, ऊर्जा मंत्री जी ने इसमें इतना सुधार किया है, और इन्होंने एक आरोप लगाया कि आपके मीटर इतनी बिजली का बिल ला रहे हैं, तो जनता ने कहीं कोई कोई कंप्लेन नहीं की जनता ने? हाँ, कुछ कंप्लेनें आई, उन मीटरों को बदला गया। देखिए मेन चीज यही होती है कि जनता के प्रति जवाबदेही, उससे भागना नहीं, हमने उसको स्वीकार किया, हमने जांच कराई, जांच पे पाया कि कुछ कंपनियों के मीटर ऐसे हैं जो दिक्कत करते, उन सारे मीटरों को अब तक बदलवा दिया गया है, लगातार सबके वहां जाकर के जांचें हुई है, जिन्होंने शिकायत की उनकी जांचें हुई, जिन्होंने नहीं की उनकी भी जांचें हुई है, कि वास्तव में कितना मीटर आ रहा है। चुनाव को देखते तो योगी जी भी बिजली खर्च हो रही, चुनाव को देखते योगी जी भी बोले हैं बिजली बिल माफ के लिए। देखिए देखिए गौरव जी, बिजली बिल माफ करना, या हमने किसानों की कर्ज माफी की अगर घोषणा की, तो हमने 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया किसानों का, लेकिन जो घोटाला होता था रिवर फ्रंट जैसे कामों में जो घोटाला होता था, उस तरह घोटाले नहीं हुए, उन घोटालेबाजों को हमने जेल भेजा। तो ये जो बजट बचा सरकार के पास, देखिए करदाता वही है, और अगर हमारे पास करदाता बढ़ता है, हमारे पास टैक्स आता है, हमारे पास पूंजी कलेक्ट होती है, तो उससे ज्यादा बजट हर वर्ष हम लोग बढ़ा करके पेश भी कर रहे हैं, वो पैसा खर्च भी होता है, वो चाहे पुलिस रिवॉल्यूशन में हो, चाहे जनता को नौकरी देने को लेकर के हो, सड़कों का निर्माण हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, हॉस्पिटल कॉलेज खड़े करने हो। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 5 नए एयरपोर्ट बनकर के खड़े हो गए हैं, और पहले कितने एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज कितने एयरपोर्ट है, आज लगभग लगभग हर जिले में एक हॉस्पिटल को सपा तो बोलती है वो अखिलेश जी के काम है, आप फीते काट रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल खड़े हो गए हर एक जिले में, पर समाजवादी पार्टी से बोलते हैं ये अखिलेश जी के काम है, आप लोग फीते काट रहे हैं केवल। देखिए कथनी और कहना और उसको परिलक्षित होना, दिखाई देना, जनता को साफ दिखाई देता है
ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो ये भी कह सकते हैं कि भाई जो किसानों के खातों में जो पैसा मोदी जी भेज रहे हैं, ये दरअसल पूरा पैसा हम भेज रहे हैं, जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये भी कह सकते हैं कि जो फ्री गैस सिलेंडर दिए गए वो हमने दिए हैं। ये भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के 50 लाख लोगों को जो आवास दिए गए वो हमने दिए हैं, अब बन करके खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो प्रति वर्ष लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का बजट जो सरकार बना करके पेश करती है, वो शायद इनके मुखिया के घर भेज देती है वो 5 लाख करोड़ रुपया, तो 5 साल में 25 लाख करोड़ रुपया हो गया। ये 25 लाख करोड़ रुपए जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया जी खर्च कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं, प्रदेश का काम कर रहे हैं। जवाब ले लेते हैं, तो समस्या है समाजवादी पार्टी के साथ। जावेद जी भी मुख्यमंत्री बोर्ड में है, अब भी वो समझ रहे हैं मुख्यमंत्री मैं हूँ। जावेद जी क्या कहना चाहेंगे? देखिये गौरव जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है, क्या मोदी जी रुपया अपने घर से ले आए थे? जरा आंकड़ा देखिए, उज्ज्वला में जो आपने फ्री गैस कनेक्शन दिए उसकी दोबारा रिफिलिंग कितनी हुई है, इसका भी तो आंकड़ा सरकार के पास होगा, वो आंकड़ा नहीं बताते। किस तरीके से नमामि गंगे में घोटाला हुआ, किस तरीके से भारत निर्मल अभियान में घोटाला हुआ, किस तरीके से ये सारी बातें कर रहे हैं, कौन जेल गया? जिन लोगों ने विद्युत कर्मचारियों के फंड का घोटाला किया, 90% रुपया किसके कार्यकाल में गया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो रोक दिया था, और DHFL ने पत्र लिखा कि हम ये व्यवस्था आपके कर्मचारियों की नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद भी वो कौन से अधिकारी थे जो आज भी अन्ना जानवर की तरीके से इस सरकार में घूम रहे हैं? 90% रुपया तो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के कार्यकाल में गया, और DHFL का कितना बड़ा घोटाला हो गया, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आप कितनी भी बात कर लें कि हमने ये किया, समाजवादी पार्टी अपने घर से रुपया नहीं लाती, ना भारतीय जनता पार्टी लाती है, ना कांग्रेस लाती है। ये जनता का धन होता है जो जन सरोकारों में लगता है, और जन सरोकार में जनता का धन, जनता के पास वो वापस विकास के मार्ग पर कैसे खर्च किया जाए, यह होती है स्वस्थ व्यवस्था। आप आपदा काल हो या उसके पहले का काल हो या आज का काल हो, उस पूरे काल में किस तरीके से मिसबिहेव किया गया, किस तरीके से उस काल को हैंडल नहीं कर पाई सरकार, किस तरीके से लोग चीखते चिल्लाते रहे। आप विपक्षी दलों की मत मानिए, डॉक्टर लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने गवर्नर को पत्र लिखा था, SGPGI के डॉक्टर्स ने गवर्नर को पत्र लिखा था, आपने क्यों उसकी सप्लाई जो है कंडम लोगों को दी? फिर मैं बार बार कहता हूँ कि घोटाले की अगर बात करते हो, मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने नकली दवाएं हृदय रोगियों के लिए खरीद ली, और उस फर्म के विरुद्ध SIT गठित करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, आज सूचना लग गई, आज तक 10 तारीख को पहली होती हो जाएगी, आज तक उस फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया, मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। 5 जिलों में बारी बारी बोलिए, बारी बारी से बोलिए, जनता पर कुठारा किस तरीके से लोग सड़कों पर पिट रहे हैं। आज ये सरकार हम पर आरोप लगा रही है, आपने कोरोना के आपदा काल में लोगों पर मुकदमे दर्ज किए, आपने किसानों पर मुकदमे दर्ज किए, कोरोना काल में वापस भी किए जा रहे हैं, वापस भी किए गए हैं, आपने वोट के लालच में मुकदमे। चलिए जवाब लेते हैं, जावेद जी जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं, किसी जन जी बताइए। देखिए देखिए गौरव जी, अभी जावेद जी ने एक बड़ा प्रश्न किया, और ये लगभग हर डिबेट में उस चीज को छेड़ते भी है, और छेड़ना भी चाहिए, अगर जनता जनप्रतिनिधि है तो उनको मुद्दों को उठाना भी चाहिए, लेकिन ये गलत दिशा में बहस करते हैं, गलत दिशा में तथ्यों को पेश करते हैं। देखिए कोरोना काल में जब कहीं पे सख्ती नहीं की गई, यही समाजवादी पार्टी के मुखिया थे श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने प्रश्न लगाया कि मैंने देखा, मैं खुद रोड पे निकल रहा था, ट्रिपलिंग करके बिना मास्क के लोग जा रहे थे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। ये किसके बयान थे? शायद जावेद जी को याद नहीं है, ट्रिपलिंग करके जा रहे थे, किसी के मुंह पे मास्क नहीं था, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, कोरोना फैल रहा है। और जब कार्रवाई हुई उन पे, अगर मास्क लगाने के लिए ट्रिपलिंग करे हुए हैं या दो लोग बैठना चाहिए, अगर उस पे कार्रवाई हुई, घर में तो पहुंचने दोगे, आपकी नहीं पहुंचने दोगे, आप तो सरकार कर नहीं पाए, आप फ्री पहुंचा रहे हैं ट्रेनों का बसों का, सारे मुकदमे वापस लिए कोरोना काल के, आपको ये नहीं मालूम है? उस समय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुकदमे कायम किए गए, जिससे जनता के अंदर एक डर पैदा हो, जिससे कि जनता मास्क लगा के निकले, सैनिटाइजर का उपयोग करे, और लोग कम से कम इसी डर से उनकी जान बच सके, लोगों की जान बचाने के लिए मुकदमे कायम हुए।
उसके बाद में आपको याद होगा सारे एम्बुलेंस में सरकार ने सारे पर 300 जलवा दिए, लकड़ी तक की व्यवस्था नहीं कर पाए, यही समस्या है। गंगा के किनारे राम नाम के साथ लुटवा दिया। अरे बारी बारी बोलिए, बारी बारी से बोलिए, ये आधा सच बोलते सारे मुकदमे वापस हुए ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कोरोना काल में मुकदमे हुए। और कोरोना काल में निकला कौन बाहर, भोजन किसने कराया, और जो दिल्ली से लोग पलायन करके आ गए, बंबई से लोग पलायन करके आ गए, इनकी व्यवस्था किसने की। 20 लाख नए राशन कार्ड बने उत्तर प्रदेश में, ये आपको नहीं याद है। केवल आप कोरोना काल ऐसे ही नोटबंदी आप रोते रहे, दो इलेक्शन आप हार गए, दो आप लोग करते हैं नोटबंदी, आप चिल्लाते रहे नोटबंदी। चलिए चलिए अभिमन्यु त्यागी भी जुड़े हैं। कोरोना काल में हमने जो काम किया है वो जनता के बीच में है, उस चीज को जनता जान रही है। उत्तर प्रदेश की 1/4 आबादी नहीं है महाराष्ट्र की, और उसके बाद में वहां पे इससे 10 गुना केसेस निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने और उनकी पूरी टीम ने और मेडिकल की टीम ने पूरा कंट्रोल किया, वो जनता ने देखा है। तो आप कोरोना काल की तो बात ही मत करिए। रही बात काम की और घोटाले की, घोटाले बात कौन सरकार रही है स्पष्ट हो चुका है, इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 90% अगर अगर गुंडे माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं तो आपको पीड़ा हो रही है। आप जवाब लेते हैं भाई, जवाब लेते हैं। आप कहते हैं अभिमन्यु त्यागी जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपत्ति नहीं है, अपने ही भाजपा विधायक की सूची पर क्या कहेंगे। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी भी जुड़े हैं कांग्रेस से। अभिमन्यु जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत सारे लोग अभिमन्यु जी कैसी चल रही है? अभी आपको लेते हैं, अभी 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 आपको टर्न करते हैं। अभिमन्यु जी जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि 300 यूनिट हम बिजली देंगे, उसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाने की बात भी कही है कि हम बाकायदा फॉर्म भरवाएंगे और लोगों को 300 यूनिट बिजली दिया जाएगा, तो कांग्रेस की महासचिव और विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी ने आठ प्रतिज्ञा ली है, तो क्या आपके यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी जनता के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो बिजली बिल हाथ किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी कहा है, हम एक बात उससे भी अलग कहने जा रहे हैं, वो बात यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 जिलों को VIP जिला बनाया गया था, जिसमें रामपुर जिला भी था। हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो भी तमाम जिले हैं, जिले ही नहीं है, जो तमाम तहसील है और ब्लॉक है, उस सबको भी बिजली बराबर दी जाएगी और कहीं किसी के साथ दुहात नहीं होगा। मुफ्त देंगे, मुफ्त बिजली दी जाएगी क्या? मुफ्त बिजली की बात चल रही है यहाँ पर। जो मुफ्त बिजली जो है वो सिंचाई के लिए संभव है, मुफ्त बिजली। अच्छा, आप जनता के लिए मुफ्त बिजली देंगे वही काम, और अखिलेश यादव जी देने की बात कर रहे हैं, कैसे देंगे भाई? वो पता नहीं कहाँ से लेकर आएंगे। दरअसल क्या है कि जब कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी 89 तक, तब आखिरी जो बिजली संयंत्र था वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में बना। पिछले 32 साल में एक भी ऐसा संयंत्र उत्तर प्रदेश में नहीं बना है सपा भाजपा और बसपा की सरकार में कि जो बिजली का निर्माण होता हो। सारी बिजली हम बाहर से खरीदते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन लोड होती है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक पर आके पड़ेगी। तो ये जुमलेबाजी ना की जाए, अच्छा रहे हम लोगों के साथ। इससे बेहतर होता कि वो निर्माण होता, बिजली का निर्माण अगर उत्तर प्रदेश में हो सकता था तो वो तब ऐसी बातें संभव हो सकती थी। तो ये सपा की जुमलेबाजी है, आपका कहना है जुमलेबाजी में? ये हमें सपा के प्रवक्ता साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये बता दें कि एक बिजली की यूनिट कितने रुपए पड़ रही है, कोष में कितने रुपए का हम पर बजट पे उसका भार पड़ेगा, उस भार का ये खर्चा कहाँ से लेके आएंगे, एक जो कैलकुलेशन। वो तो कह रहे हैं जनता का पैसा 11,000 करोड़ का अतिरिक्त वो पड़ेगा, बोझ पड़ेगा, झेला जाएगा। आएगा कहाँ से, उसका जो भार होगा उसको आप कैसे सर्कुलेट करेंगे? जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं, बेहतर होगा। जावेद जी किस तरह करेंगे? त्यागी जी बोल रहे हैं जुमलेबाजी है। देखिए, अब वो जुमलेबाजी, अब कांग्रेस भाजपा से तो लड़ नहीं पा रही है, ये हमारे मित्र हैं अभिमन्यु जी, ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये सेंट्रल पूल से उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं दे पा रहे थे यूपीए की गवर्नमेंट में, और रायबरेली अमेठी के लिए मुलायम सिंह जी के यहाँ खड़े थे कि हमको 24 घंटे बिजली चाहिए, और सपा के शासनकाल में इनको रायबरेली अमेठी में 24 घंटे बिजली दी गई।
ये बसपा के शासन काल में जमीन नहीं ले पाए एम्स के लिए, रायबरेली में सपा की सरकार ने एम्स के लिए जमीन दी, रेल कोच कारखाने के लिए जमीन बसपा के शासन में नहीं दे पाए। अगर ये आप अभिमन्यु राजनीति कर रहे हैं, आप किससे लड़ना चाहते हो? शर्म की बात है, आप क्या ठोक रहे हैं पब्लिक के रास्ते पर? चल रहे हो पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी पर चुनौती नहीं दे पाएंगे हम सपा से जमीन जरा। अरे सपा कार्यालय में कांग्रेस के कार्यालय में आज भी विरोध हो रहा है, भाई बारी बारी बोली बारी बारी से। ये जो समाजवादी पार्टी है जी, अभिमन्यु बारी बारी से बोले, बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से। आप जो घोषणा बनाने की थी वो फिर नहीं मानी जाएगी, होना चाहिए हमको ये बताना चाहिए हमने जो भारतीय जनता पार्टी से जिसके अंदर साहस नहीं है लड़ने का, जिसके अंदर हिम्मत नहीं है लड़ने की, वो इस तरीके की बात करेगा। आप क्यों खड़े थे सपा के साथ में? हम एक ही रायबरेली कांग्रेस वाले तो ये बोल रहे हैं ना कि बिजली के लिए, कांग्रेस वाले अभिमन्यु त्यागी ये बोल रहे हैं जामेद जी कि जो बिजली का खर्चा हुआ कैसे आएगा, ये कहाँ से देंगे, वो कह रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है, ये जनता का पैसा है ना, ये जब सरकार के खजाने में है ये खर्च किसके घर पे करेंगे, जनता पर करेंगे कि अपने घर अभिमन्यु भाई ले जाएंगे? अभिमन्यु भाई जनता का पैसा भाई, अभिमन्यु भाई अपने घर ले जाएंगे? जनता का घर जनता पे खर्च किया जाएगा, इसमें क्या आपत्ति है? किया था आप लोगों ने, क्यों माफ किया था आपने? क्या किया था आप क्या नहीं चाहते हो कि जनता को स्वास्थ्य शिक्षा और बिजली की जो आवश्यकता है वो सीमित दरों में मिले, कम दरों में मिले? आप देखिए फिर मैं अगर कहूँगा, हमारा आपसे झगड़ा नहीं है, हमारे हमारा जो झगड़ा चालू हो जाएगी वो भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अपनी टांग आ रहे हैं, तो आप टांग ना लाए, आप बताएं, आप बताए क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को पावर? अरे भाई कांग्रेस कांग्रेस भी व्यवस्था करे इस तरह की भाई, पीसी की बिजली उत्तर प्रदेश में जितने संयंत्र चल रहे हैं। अरे भाई कांग्रेस भी स्कूटी देने वाली है भाई, कांग्रेस ने भी स्कूटी देने की बात कही है, बिजली बिल माफ करने की बात कही है, किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही है। यही तो अभिमन्यु भाई से सवाल है कि अगर आधा भाजपा हम कर देगी, आधा आप करने की बात कर रहे हैं, तो आप इसके लिए धन कहां से लाएंगे? ना तो प्रियंका जी घर से लाएंगे, ना योगी जी लाएंगे, ना अखिलेश जी लाएंगे, जनता का धन है वही तो खर्च होगा, वही तो खर्च होगा ना। और जब जनता का धन जनता पर खर्च करने की बारी है तो फिर वही जनता का जनता में खर्च होगा। केसी जन जी क्या कहना चाहेंगे? अपने को विलग रखना चाहते हैं। अभिमन्यु जी ने कहा है कि जुमलेबाजी है समाजवादी पार्टी, क्या कहेंगे? ये भाजपा की उस 15 लाख की जुमलेबाजी पे मौन है भारतीय जनता पार्टी, जो संघाई का एयरपोर्ट दिखा रही है। जावेद जी, जावेद जी केसी जन से जवाब ले लेते हैं, जावेद जी केसी जन से जवाब ले लेते हैं। संसदीय क्षेत्र में पुल गिर जाता है उस पे चुप है, तो जावेद जी केसी जन साहब से जवाब ले लीजिए। ये हल्ला बोल करने वाले लोग हैं, ये लोग मानेंगे नहीं। बोलिए जन साहब, बोलिए। अभी जावेद जी ने एक बात कही कि आपने दो जिलों के लिए बिजली मांगी, रायबरेली के लिए और अमेठी, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के पास सांसद परिवार के हुआ करते थे उनके बजाय और कहीं बिजली नहीं आती थी? ये स्पष्ट हो गया ना। जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने निवेदन किया मुलायम सिंह जी से, तब जाकर के अमेठी और रायबरेली को बिजली मिली, तो इससे स्पष्ट हो गया कि पूरे प्रदेश में बिजली नहीं आ रही थी, केवल 5 जिलों में बिजली आ रही थी। जावेद जी बारी बारी से बोलिए, जैन साहब जवाब ले लीजिए, आपका वक्त भी आएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया, त्यागी जी लेता हूँ, केवल 5 जिलों में लेता हूँ, 2 जिलों में और बढ़ा दी क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने निवेदन किया। अच्छा दूसरी बात ये, अब ये कह रहे हैं कि बिजली मुफ्त दे देंगे, अरे ठीक है, अभी कांग्रेस ने एक अच्छा सवाल, देखिए सबसे बड़ी समस्या है बिजली के, बिजली मुफ्त देने से ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि बिजली हर व्यक्ति को मिले, हर जिले में पहुंचे, हर तहसील में पहुंचे। दूसरी बात क्या है, जो किसानों की समस्याएं हैं उनका निराकरण, उनके लिए केंद्र सरकार ने भी लगातार प्रयास किए और बड़े बड़े काम किए। आप देखिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार ने किसानों के खातों में जो किसान सम्मान निधि भेजी,
उस पर खर्च किया है। तो ये छोटी छोटी रेट पहुंच रही है, लेकिन इससे किसानों को बड़ी राहत मिली। और दूसरी बात, 20,000 करोड़ रुपया इसी ये समाजवादी पार्टी सरकार छोड़ करके गई थी, जब ये गई थी किसानों का जो गन्ना बकाया भुगतान था उसको उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। तो देखिए, बहुत से खर्चे होते हैं सरकार के पास, हम लोग 2-3-4-5 खर्चों की बात कर सकते हैं, 10-20-50 खर्चों की बात कर सकते हैं। हमें लगता है कम से कम कुछ नहीं जो है 300-400 तो जो है वो होते हैं उत्तर प्रदेश में, 300 से 400 तो मंत्रालय है, उस तरीके के छोटे बड़े विभाग है। तो हर एक विभाग पे खर्चा होता है, पुलिस अलग है, कांस्टेबल अलग है, और तमाम सारे बोर्ड अलग है। तो सारे विभागों में सब जगह पे सरकार को अलग अलग, इसीलिए सरकार बजट अलग अलग लोकेट करती है। गौरव जी देखिए, गौरव जी, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का 50% बिल जो है माफ किया है, किसानों का। गौरव जी ने सही बात कही कि किसानों का तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी की पूरे हर एक व्यक्ति का बिजली बिल माफ करने का कोई मतलब भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग आप माफ नहीं करेंगे, किसानों को माफ करेंगे? अभिमन्यु त्यागी जी जुड़े हुए, अभिमन्यु जी क्या कहना चाहेंगे बताइए, आपकी बारी है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई सत्ता से है, सत्ता की जो नीतियां है जन विरोधी नीतियां उससे लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से है। पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी पिछले 32 साल में सत्ता में नहीं है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक निवेदन है, वो ये है कि मैं गन्ना किसान भी हूँ, सिम्हावली शुगर मिल जनपद हापुड़ में पड़ती है, हमारा गन्ना किसानों का बकाया पिछले 2-3 सालों से नहीं मिला, 14,000 करोड़ रुपए का गन्ने किसानों का बकाया इस सरकार से नहीं मिला है, आवारा गो वंशों से किसान परेशान है। और तीसरी बात यह है कि तार बैराकेट जो तारबंदी लगा देता है किसान तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है। इसके अलावा पूरे 5 साल में महंगी बिजली का बिल हम लोगों ने दिया, अब चूंकि चुनाव का समय था तो इन लोगों ने बिल्कुल चुनाव के इन समय पे बिजली बिल का रेट कम कर दिया। 1200 रुपए जो DAP का कट्टा था खाद का वो 1500 का कर दिया, 1150 का NPK का कट्टा 1450 का, नीम कोटेड यूरिया जो 270 रुपए का कट्टा 50 किलो का था उसमें इन्होंने 5 किलो चोरी किया सरकार ने, 45 किलो का कट्टा। किसान की लागत लगातार बढ़ती गई 5 साल में, पर इन्होंने कभी भी किसान का गन्ने का बकाया तक नहीं दिया। 2017 के चुनावी मैनिफेस्टो में गन्ना किसानों के लिए इन्होंने वादा किया था कि 14 दिन में गन्ने का बकाया हम देंगे। इसके अलावा इन्होंने लिखित में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 375 रुपए कुंटल गन्ने का दाम हम देंगे, आज गन्ने का दाम 350 रुपए कुंटल है, ये 25 रुपए कुंटल का क्यों फर्क आया, ये सरकार में आया? आप देखिए झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, आवारा गोवंशों से हर किसान परेशान है, फसल चौपट हो रही है, किसान इस कड़े ठंड में रात को डंडा और टॉर्च लेके अपने खेतों की रखवाली करता है। जवाब लेते हैं कहना है गुमराह कर रही है BJP लोगों को, और सारे चीजों के रेट बढ़ गए, किसान की जो लागत है वो बढ़ गई है, किसान परेशान है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस 70 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया और किसानों के लिए कोई भी भला नहीं करना। श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसी फुलप्रूफ व्यवस्था नहीं बनाई जिससे कि जनता को जितना पैसा दिया जा रहा है वो कम से कम जनता के खाते में पहुंचे। ये अपने विधायकों मंत्रियों सांसदों को पालते पोसते रहे, क्योंकि सरकार में 90% इनके विधायक मंत्री सांसद हुआ करते थे, जबकि ये बात राजीव गांधी जी कहते थे। आज योगी जी की सरकार में आप देखिए जनधन खाते खुले और अकाउंट में अगर हम 6,000 रुपए भेज रहे हैं तो पूरा की पूरा हमारे किसान भाइयों के अकाउंट में 6,000 रुपए पहुंच रहा है। आज उसकी बंदरबांट नहीं हो रही है, वो उनका अकाउंट है, उनका खाता है, थंब इम्प्रेशन है, वो खुद जाएंगे निकालेंगे तभी पैसा निकलेगा, कोई और पैसा उनका नहीं निकाल सकता है। तो इस तरीके की फुलप्रूफ व्यवस्था अगर ठीक है, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, नहीं कर सकते थे, कम से कम पिछले 10-20 सालों से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के अपने विधायकों मंत्रियों सांसदों के लिए व्यवस्था कर रखी थी कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजेंगे तो 15 पैसे जनता तक पहुंचेगा, यानी 1,00,000 रुपया भेजेंगे तो 15,000 उनके तक पहुंचेगा, 85,000 रुपया ये लोग खा जाएंगे, बंदरबांट कर लेंगे। तो इनको पीड़ा इसी बात की हो रही है कि बंदरबांट जो हो रही थी वो सब बंद हो गई है, और इसी से जनता खुश होकर के आप देखिए, चाहे 2019 का इलेक्शन रहा हो, चाहे 2014 का इलेक्शन रहा हो, चाहे 2017 का इलेक्शन रहा हो, जनता ने भरपूर मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया,
कितने सांसद यहाँ से जीत करके गए, राहुल गांधी जी स्वयं चुनाव हार जाते हैं, वायनाड भाग जाते हैं, तो उनको इस चीज का मंथन करना चाहिए कि वास्तव में हमने जनता के लिए क्या काम किया और क्या काम नहीं किए। और सबसे बड़ी बात गौरव जी ये है कि जनता को पलायन न करना पड़े, कैराना जैसी घटनाएं ना हो कि दूसरों के भय से, गुंडों माफियाओं के भय से, और अगर कोई वर्ग वहां पर है वर्ग विशेष के भय से जनता को वहां पलायन करना पड़े, इस तरीके की स्थितियां ना पैदा हो। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, वहां से भी जनता ने पलायन किया, कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां भगाया गया और कांग्रेस चुपचाप बैठी तमाशा देखती रही। आज वहां पे धारा 370 हटी है तो इनको पीड़ा हो रही है, ये वहां से वॉकआउट करते हैं सदन से, ये समर्थन नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। प्रियंका गांधी ने विरोध करते हैं जन साहब, आज प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि पिछले 5 सालों में योगी गवर्नमेंट में लगभग 16.5 लाख युवाओं की नौकरी चली गई है और 4 करोड़ युवाओं ने नौकरी की आस छोड़ दी है। इस पर योगी जी ना बात करते हैं ना कोई मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि पर्दा है वो रहस्य खुल जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, हवा हवाई बातें करना अलग बात है। जिस समय कोरोना काल में इन्होंने गाड़ियों की लिस्ट भेजी थी उसमें भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, स्कूटर, स्कूटी, ट्रैक्टर, ट्राली का नंबर इन्होंने भेज दिया और जब आरटीओ ऑफिस में उसको वेरीफाई किया गया कौन सी बसें भेज रहे हैं, पता चला स्कूटर भेज रहे हैं। ये स्कूटर पे 100 लोगों को दिल्ली बॉर्डर से उत्तर प्रदेश भेज रहे थे स्कूटर में बैठाल करके। तो कांग्रेस सरकार वो सरकार है कि आंकड़े, झूठे आंकड़े पेश करने में बहुत उस्ताद है, लेकिन जब उसका रियलिटी टेस्ट होता है, आप जैसे पत्रकार, आप जैसे चैनल द्वारा जब उसका रियलिटी टेस्ट होता है तो उभर के सारी चीजें सामने आ जाती है। उनको एक लिस्ट पेश करनी चाहिए कम से कम, नहीं 16,000 लोगों की, 16.5 लाख लोगों की नौकरी गई है, बता 10-20 हजार लोगों की लिस्ट एक पेश कर देनी चाहिए कि इन लोगों की नौकरियां गई। फर्जी भाड़ा करने से क्या मतलब है? देखिए, कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति की नौकरी इतनी आसानी से नहीं ले सकती है और ना तो नौकरी जा सकती है, नौकरी मिलना कठिन है, लेकिन एक बार नौकरी में किसी व्यक्ति का आ जाने के बाद में उसको हटाना सरकार के लिए बहुत टेढ़ी खीर है और सरकार क्यों हटाना चाहेगी। 4 लाख लोगों को तो हमने डायरेक्ट नौकरियां दी और तमाम सारे संविदा पे लोगों को जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं, मनरेगा के अंतर्गत 1 करोड़ से ज्यादा लोग जवाब लेते हैं त्यागी जी से। तो ये हवा हवाई बातें कांग्रेस डाटा पेश कर रही है और जनता इनके बरगलाने में आने वाली नहीं। कांग्रेस अभिमन्यु जी क्या कहना चाहेंगे आज प्रियंका गांधी ट्वीट पर, किसी जन साहब बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं, आंकड़े गलत है? नहीं, ये बारी बारी से, बारी बारी से ये उसको भी रोजगार मानने लगे हैं। इस सरकार में जिस तरह से कुप्रबंधन हुआ है, पहले नोटबंदी का, फिर GST का, उसके बाद जिस तरह से कुप्रबंधन हुआ लॉकडाउन लगाने का पिछले 2 बारों में, उसमें करोड़ों लोगों का रोजगार गया है, ये सब लोगों को मालूम है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो था उसमें नौकरियां गई हैं प्राइवेट सेक्टर की, और जिनकी नौकरियां बची भी हैं उनको आधी तनख्वाह पे भी काम करना पड़ा है, ये जग जाहिर है। इसके बावजूद सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगी। इस सरकार ने क्या काम किया है कि अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा नशा करने वाला प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर। सारी आवाज चली गई है, अब अपनी त्यागी जी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए जावेद जी को, जावेद जी क्या कहना चाहेंगे, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि नोटबंदी पे 3 बार जनता ने आपको नकारा, अभी कितनी बार जनता नकारेगी आपको? पूरे देश में आप नोटबंदी नोटबंदी जिलाते रहे, आप पैदा हो गए जब ऑफिस बंद थे भाई, बारी बारी बोले, बारी बारी बोले, नशाखोरी किसने बढ़ाई जिससे कि लोग नशा करते रहे और इन जो मेन बात है उसके बारे में बात न कर पाए। और इसके अलावा देखो, रोजगार घटा और रोजगार के अलावा लोग सड़कों पे आए, किसान आंदोलन में देखा किस तरह किसानों ने। सारा आवाज डिस्टर्बेंस है। जावेद जी क्या कहना चाहेंगे, प्रियंका गांधी ट्वीट किया है, किसी साहब बोल रहे हैं आंकड़े पूरी तरह गलत है, 16.5 लाख लोगों की नौकरी नहीं गई है, पूरे तरह से आंकड़े मन माफिक बनाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़ों पे, जिस आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फूल के कुप्पा है, उसी को जब उसी CMII की रिपोर्ट को आप अंदर जाकर पढ़ेंगे तो स्थितियां क्या है। स्थितियां ये है कि लोगों के रोजगार छीने हैं, उन आंकड़ों को आप छिपा कर जब कोई बात करेगा तो बात ही नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, 14 लाख रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में, ठीक है, आपने कहा 4.25 लाख लोगों को रोजगार दिया। मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने
एक नौजवान का वीडियो डाल दिया कि इनकी लेखपाल पद पर नियुक्ति हो गई। जब पूछा गया कि इसका विज्ञापन कब हुआ, इसका विज्ञापन संख्या बता दीजिए, जब विपक्ष ने हल्ला मचाया तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस नौजवान का वीडियो हटाया गया। पता चला कि सरकारी भर्ती हुई ही नहीं लेखपाल की, 14 से ज्यादा पेपर आपने के कार्यकाल में लीक हो गए। आपका कार्मिक विभाग आरटीआई के माध्यम से सूचना देता है कि हमें पता ही नहीं है, उत्तर प्रदेश का कार्मिक विभाग, अभी ये पिछले नवंबर में ही ये सूचना आई है, कार्मिक विभाग कहता है कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं, किस विभाग में कितनी हुई हैं, ये हमें पता ही नहीं है कि नियुक्ति कब कैसे हो गई। तो ये सदन के अंदर सदन के बाहर भाषण में कुछ योगी जी कहते हैं और होल्डिंग में कुछ होता है, तो जब एक ही सरकार के अलग अलग जगह पर अलग अलग बयानों में और मंत्रियों के बयानों में विरोधाभास है तो किस चीज को सच मान लिया जाए। आप बताइए, सिपाही भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में 49,500 कुछ लोगों की सिपाही भर्ती हुई, उसमें 15,000 लोगों को नियुक्ति ये सरकार दे पाई, बाकी बच्चे जो है आज भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति छोड़ दीजिए, उनकी ट्रेनिंग छोड़ दीजिए, उनका अभी तक ये मेडिकल नहीं करा पाई। लखनऊ के इको गार्डन में किसने नहीं देखा कि वो बरसात में और धूप में बेचारे अपनी नियुक्ति के लिए पड़े हुए हैं, आंदोलन करते रहे। किस तरीके से सहायक शिक्षक अभ्यर्थी की भर्ती में, जिस बात पर कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, उसी आयोग की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ठुकरा देती है। किसानों की बात करते हैं कि बार बार सम्मान निधि, अभी हमारे भाई अभिमन्यु जी ने भी कहा, उसमें आप देखिए कि 500 रुपए प्रतिमा देकर आपने उसकी जेब से बिजली के बिल के माध्यम से 5,000 रुपए महीना निकाल लिया, आपने उसके घर की बिजली के लिए कई गुना ज्यादा महंगाई कर दी। जो लघु और सीमांत किसान थे, जो छोटे कास्ट के किसान थे, उनको जो सिंचाई के नलकूप के लिए सब्सिडी मिलती थी, योगी जी की कैबिनेट में पहली बैठक में उसको समाप्त कर दिया। जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं, बताइए जनसब क्या कहना चाहेंगे। ये कह रहे हैं किसानों के विरोधी है, किसानों का बिल बढ़ा दिया है, सब कुछ कर दिया, 500 देते 5,000 लेते हैं। देखिए, कहना अलग बात है और जनता ने उन चीजों को महसूस किया है। और 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आती है, 2019 में हम रिपीट करते हैं, उत्तर प्रदेश में 2017 में हम चुन करके आते हैं। तो जनता, देखिए, जनता से बड़ा कोई फैसला करने वाला नहीं है, तो सरकारों का फैसला जनता करती है। अब चुनाव बिल्कुल सिर पे आ गया है और 10 तारीख को पहला इलेक्शन है, 10 फरवरी को, तो ऐसे में लंबी लंबी बातें करना अलग बात है और सच्चाई क्या है वो जनता स्वयं देख रही है। अभी ये कह रहे थे कि आपने 500 रुपया महीना दिया और उसके बाद में आपने उनसे 5,000 रुपया महीना ले लिया। अरे किसका 5,000 रुपया, किस किसान का बिल 5,000 रुपया आ गया बिजली का, एक का बताइए आप, एक किसान का बताइए 5,000 बिल आ गया, देख लीजिए ना जाके किसान के। उत्तर प्रदेश में आपने बढ़ाया, लगभग 2400 आबादी है, किसान के खाद की कट्टी में 5 किलो की गंदी मारी कर ली और सब्सिडी जो है खाद उत्पादकों को दे दी, नाम दे दिया कि किसान को हम सब्सिडी दे रहे हैं। जिस किसान का एक महीने का 5,000 रुपया आ गया, स्पष्ट नहीं है 100 किसानों की जिनका बिल 5,000 रुपया आया हो, 24 करोड़ आबादी लगभग है उत्तर प्रदेश की। अरे साहब, एक कमरे में जब 1.5 लाख का बिल आ सकता आप बता रहे, बहुत तो सारी बातें देखिए ना, उसको मना कर देने से बोली हो सकता है। और ये एक भी योजना किसानों के हित की नहीं ला पाए, 20,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा छोड़ करके भाग गए। पूरा काम छोड़ करके भाग गए, 10% काम करते हैं। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट पे आइए। फिर कहते हैं काम, जावेद जी, इन्होंने कहा है इन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, आप अपने कम शब्दों में जवाब दीजिए। देखिए, कुछ नहीं किया, अगर किसानों के प्रति किया होता तो ये 700 किसानों की शहादत पर संवेदनशीलता का एक शब्द तो बाहर आता। जो सरकार मौत के बाद शहादत के बाद संवेदनहीन रही हो, वो किसान हितैषी नहीं हो सकती है
उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर रखा है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास और आधार निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब 10 मार्च को बदलाव की पूरी तैयारी है। 10 मार्च को बदलाव होगा, उत्तर प्रदेश में खुशहाली का नया सूर्योदय अखिलेश। जवाब दीजिए भाई, क्या आपके द्वारा भी ऐसा कुछ लुभावने वादे दिए जाएंगे प्रतिज्ञा के अलावा? देखिए, इस सरकार ने जिस तरह से अपनी स्वजाति को बनाने का काम किया मुख्यमंत्री साहब ने, और महाराज होकर ये काम किया है इन्होंने। अगर संत ना होते तो सवाल बनता भी था, लेकिन एक महाराज बनकर स्वजाति को बढ़ाने का काम किया, स्वजाति के अपराधियों का एनकाउंटर नहीं कराया, स्वजाति के अफसर को थाने में तैनाती, जिला अधिकारी से लेकर। अरे भाई, यहाँ पर स्वजाति वाली बात नहीं है, क्या कांग्रेस भी ऐसी कोई बात व्यवस्था करने वाली है चुनाव को देखते हुए कि 8 प्रतिज्ञाओं पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी तो अपनी प्रतिज्ञाओं पर चुनाव लड़ेगी। कोई और किसानों का बिजली बिल माफ होगा, 2500 रुपए क्विंटल धान और गेहूं का दाम दिया जाएगा। इसके अलावा आप सभी का बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का मुद्दा कि सपनों का चुनाव, चुनाव सपनों का ही है क्योंकि सारे जो वर्ग हैं, दल हैं, वो वर्ग विशेष को अपने अपने सपने दिखा रहे हैं। कहीं स्कूटी बांटी जा रही है, तो कहीं किसानों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है 300 बिजली जो यूनिट बिजली देकर। तो कुल मिला के अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ पर केवल लुभावने वादे किए जा रहे हैं, और हम इनको लुभावने वादे क्या, उनको लुभावने सपने ही कहेंगे, क्योंकि 300 यूनिट बिजली देना इतना आसान नहीं है। इसकी व्यवस्था करना भी कैसे किस किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में समय बिजली की हालत बहुत गंभीर है, और महंगे दामों पर बिजली खरीदी जा रही है और जनता को कम दामों पर दी जा रही है। जो आर्थिक बोझ होगा वो कैसे समन्वय किया जाएगा, कैसे सरकार उसकी व्यवस्था करेगी, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। पर चूंकि चुनाव है और सपने दिखाना राजनीतिक दलों की पुरानी परंपरा रही है, इसलिए ये चुनाव सपनों वाला चुनाव ही होगा। पर जनता जनार्दन से मेरा अनुरोध है कि सपनों पर नहीं, हकीकत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सपने अलग होते हैं, हकीकत अलग होती है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।